नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आसाराम का ऑडियो हुआ वायरल, सजा मिलने के दो दिन बाद सोशल मीडिया पर आया ऑडियो, जल्द बाहर आने के दिए संकेत। ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी बाइक, एक ही परिवार के तीन की हुई मौत, धौलपुर के हाईवे 123 पर हुई दुर्घटना। पतंजलि द्वारा निजी भूमि पर कब्जे के लगे आरोप, दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग हुआ, करौली का है मामला। बच्चे की जान बचाने की खातिर तेंदुए से लड़ गया पिता, सुबह 5 बजे घर में घुसा था तेंदुआ, जम्मू के कुपवाड़ा में हुई घटना। और अब समाचार विस्तार से। नाबालिग से रेप केस के मामले में आसाराम उम्र कैद की सजा काट रहा है। इन दिनों आसाराम का सनसनीखेज ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो में आसाराम अपने भक्तों को प्रवचन दे रहा है। आसाराम के ऑडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि आसाराम उम्र कैद की सजा पाने के बाद अपने भक्तों को जेल में बैठकर ही प्रवचन दे रहा है। इस ऑडियो में आसाराम ना सिर्फ भक्तों को उपदेश दे रहा है बल्कि दावा भी कर रहा है कि वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। ऑडियो को सुनकर साफ लग रहा है कि आसाराम जेल से भक्तों के लिए संदेश जारी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे सजा के बाद शांत रहकर भक्तों ने अच्छा काम किया। आसाराम एक कैदी नहीं बल्कि एक संत की तरह प्रवचन दे रहे हैं। ऑडियो हैरान करने वाला है क्योंकि दावा है कि आसाराम का ये ऑडियो उम्र कैद की सजा पाने के बाद का है। आसाराम का जो चौंकाने वाला ऑडियो टेप है उसमें आसाराम ना सिर्फ खुद बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं बल्कि पहले वो अपने राजदार शिल्पी और शरद को जेल से आजाद कराने की बोल रहे हैं। बता दें कि इन ऑडियो टेप्स में आसाराम जिस शिल्पी का जिक्र कर रहा है वो छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन थी जबकि शरद हॉस्टल का संचालक था। दोनों ही आसाराम के कुकर्मों में बराबर के भागीदार रहे हैं। जिन्हें नाबालिग से रेप केस में दोषी करार देते हुए अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। शिल्पी और शरदचंद्र के लिए आसाराम की बेकरारी समझी जा सकती है। शिल्पी लंबे समय से उसकी राजदार रही है और शरदचंद्र भी उसके गुनाहों में बराबर का भागीदार है। इस ऑडियो टेप में आसाराम बार बार अपने भक्तों को इस बात का भरोसा दे रहा है कि उसके लिए शिष्य पहले हैं और यहां तक कि बेटा नारायण और बेटी भारती का नंबर भी बाद में आता है। पहले शरद और शिल्पी को निकाल लाएंगे, बाद में हम आ जाएंगे तुम्हारे बीच, चिंता की कोई बात नहीं। जितनी बड़ी गाज गिरती है उतने बड़े रास्ते भी बन जाते हैं। और यहाँ के डीआईजी साहब या और भी स्टाफ, पुलिस स्टाफ, सब बंदी बंदी सब मेरे बीच में सब बहुत दुखी हो गए। मेरे को फिर प्रसन्न देखकर उनका दुख भी मिट जाता है। तो बापू तो यार मौज में है, तो बापू तो मौज में, क्योंकि बड़े बापू की बात मान लिया, अभी मेरी बात मान लो। आती है परिस्थितियां, तूफान आते हैं, हजारों हजारों का रहता है, बाद में मौसम बड़ा सुखदाय हो जाता है। जहाँ और वकीलों की जरूरत पड़ेगी वहां तो उनसे ही इन बच्चों का काम करेंगे। और मेरा काम तो जब समय आएगा तो फिर तुम देख लेना, नारायण साई, भारती, नारायण कुमार, ये सब इतना ही मेरा परिवार नहीं है, मेरे सारे साधक मेरा ही परिवार है। और जो साधकों को छुपे खड़े हैं या साधकों को भला बुरा मानते हैं वो भी मेरा ही परिवार है। इस बार मेरे साधकों का तो चिंतन करते हैं, देर बेर वे भी सारे होते हैं, हो जाते हैं। अदालत ने आसाराम को जिंदगी की आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा दी है लेकिन जेल के अंदर से प्रवचन के जरिए आसाराम अपने भक्तों को दिलासा दे रहा है कि वो एक दिन बाहर जरूर आएगा। उधर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम के सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आसाराम ने शुक्रवार की शाम को 6:30 बजे साबरमती आश्रम में एसटीडी से कॉल किया था। जेल प्रशासन ने कहा कि यह बात नियमों के तहत कराई थी, आश्रम में यह बात रिकॉर्ड कर वायरल की गई। इस संबंध में मुख्यालय ने जेल प्रशासन से जवाब मांगा है। जेल प्रशासन ने कहा कि भविष्य में किसी भी बंदी से बात करने से पहले ही लिखा कर लिया जाएगा कि कोई भी अब रिकॉर्डिंग नहीं करेगा और वायरल भी नहीं किया जाएगा, अगर ऐसा करता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।
जेल डीआईजी विक्रम सिंह ने बताया कि आसाराम से जो भी बात की थी वह नियमों के तहत करवाई गई, अब आगे इस बारे में सख्ती बरती जाएगी। धौलपुर जिले के सैपऊ कस्बे से 3 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे संख्या 123 पर रजोरा खुर्द के पास देर रात सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। देर रात तीनों एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे कि हाईवे पर खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जा घुसे। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब सामने से आ रहे वाहन की लाइट से चकाचौंध लगने पर दुर्घटना से बचने के लिए बाइक चालक ने हाईवे पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में बाइक दे मारी। हादसा इतना भयंकर था कि मौके पर ही 3 की मौत हो गई। सभी मृतक गांव आरी के निवासी हैं और एक ही परिवार के हैं। जानकारी के मुताबिक आरी निवासी निर्मल कुशवाहा पुत्र कमल सिंह कुशवाहा अपनी छोटी बहन के ससुराल में शुक्रवार की रात को लगन टीका समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उसके साथ परिवार के ही भगवती पुत्र रमेश, कोक सिंह पुत्र राम भरोसी, जातिगण कुशवाहा के साथ उत्तर प्रदेश के जगनेर थाना इलाके के गांव कच्छपुरा में जा रहे थे। तीनों ही कस्बे से बमुश्किल 3 किलोमीटर ही दूर निकले थे कि तभी हाईवे पर सामने से आ रहे वाहन की लाइट की चकाचौंध से बाइक असंतुलित होकर सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा भिड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि ट्रॉली में बाइक लगते ही तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर थाना प्रभारी टीनू सगेरवाल में जाप्ता पुलिस के मौके पर पहुंचे और लोगों की मदद से तीनों मृतकों के शव को पुलिस की जीप से कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। सीएससी प्रभारी डॉक्टर चरण सिंह जी से लहूलुहान हालत में अस्पताल आए युवकों की हालत देखकर तीनों को मृत घोषित कर दिया। करौली जिले में पतंजलि योग को लीज पर दी गई भूमि मामले में विवाद हो गया। खातेदारी की भूमि जबरन हत्याने के आरोप में शनिवार सुबह 2 पक्ष आमने सामने हो गए। इस मामले को लेकर आज दोनों पक्षों की ओर से पथराव भी हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। दरअसल जमीन विवाद पहले से चल रहा था, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से जमीन अपनी अपनी बताई जा रही थी। इस मामले में पतंजलि को लीज पर दी गई भूमि पर समतल करने का कार्य किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर ओम प्रकाश सारस्वत का कहना है कि यह जमीन उनके पिता की खातेदारी की भूमि है, जिस पर राजस्व विभाग और SDM का स्टे आदेश होने के बावजूद पतंजलि के पदाधिकारियों की ओर से जबरन कार्य किया जा रहा है। पतंजलि की ओर से जमीन के समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है और पदाधिकारियों का कहना है कि गोविंद देव जी मंदिर ट्रस्ट की ओर से पतंजलि को यह भूमि लीज पर दी गई है, जबकि ओम प्रकाश का कहना है कि यह भूमि उनकी है और जबरन इस पर कब्जा किया जा रहा है। साथ ही इस पर अधिकारियों की ओर से कोई कार्यवाही नहीं करने के आरोप भी लगाए। वहीं मामले को लेकर पतंजलि पीठ द्वारा कराए जा रहे भूमि समतलीकरण के मामले में ब्राह्मण समाज के लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने भी पहुंचे। माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने से भी नहीं चूकते, इस बात का उदाहरण कश्मीर के कुपवाड़ा में देखने को मिला, जहां एक पिता ने आदमखोर तेंदुए से अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उससे न सिर्फ लड़ाई की बल्कि उसे मार गिराया। हालांकि पिता घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मामला कुपवाड़ा का है और व्यक्ति की पहचान गुलाम अहमद शेख के रूप में हुई। अपने बच्चे के लिए बहादुरी की मिसाल बने शेख को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह करीब 5 बजे एक आदमखोर तेंदुआ मीर मुकाम क्षेत्र में शेख के घर में घुस गया। बच्चे सोए हुए थे और तेंदुआ बच्चों पर झपटने ही वाला था कि पिता की आंख खुल गई और उसने न सिर्फ बड़ी बहादुरी के साथ कड़ा मुकाबला किया बल्कि उसे मार गिराया। पुलिस के अनुसार एक टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को ले जाने के लिए वन्य जीव विभाग को फोन किया गया। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के घटक दल सोहेल देव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक विवादित बयान दिया है। वाराणसी में शराबबंदी के समर्थन की मांग पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि शराब तो सब पीते हैं, इसमें यादव और राजपूत सबसे ज्यादा पीते हैं, यह उनका पुश्तैनी कारोबार है।
राजभर का कहना था कि शराबबंदी समाज के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि शराब से बहुत नुकसान होता है। ओम प्रकाश राजभर ने मिसाल देते हुए कहा कि उस माँ के पास जाइए जिसके चार बेटे हैं और वो शराब पीते हैं। उन्होंने कहा कि इस दर्द को वो ही महिलाएं समझ सकती हैं जो इस स्थिति का सामना कर रही हैं। राजभर ने दावा किया कि वे 15 साल से शराबबंदी की वकालत कर रहे हैं। राजभर ने शराबबंदी का समर्थन करते हुए कहा कि इससे देश और समाज को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि शराब का सेवन यादव और राजपूत समाज करता है और यह उनका पुश्तैनी कारोबार है। राजभर के इस बयान पर राजपूत और यादव समाज ने जमकर विरोध किया है। इस बयान के विरोध में समाज के लोगों ने राजभर के घर के आगे प्रदर्शन करते हुए पत्थरबाजी की। इस समय सबसे ज्यादा आरोप तो राजभर के ऊपर है, लेकिन सबसे ज्यादा दारू यादव पीता है, राजपूत पीता है, क्योंकि उसका पुश्तैनी वो कारोबार है पीने का शौक। ऐसा नहीं है, राजभर भी पीता है, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, पाल, प्रजापति, कुम्हार, लोहार, सारी जाति के लोग पीते हैं। आप इस दुख को देखना है तो आप उस माँ के पास जाओ जिसके पास चार बच्चे हैं, आप उस बहन के पास जाओ, उस बेटी के पास जाओ जिसका भाई, जिसका परिवार, जिसका पति शराब पी करके आता है, और अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपनी बहन को क्या क्या कहता है वो जानती हैं, वो झेलती हैं, उनको कष्ट है। उस कष्ट को हमने समझा। मैं 15 साल से कह रहा हूं कि ये चीज बंद होना चाहिए। ये सपा बसपा में हम लोग सत्ता से बाहर रह के कहते थे तो जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख मोहम्मद यासीन मलिक को शनिवार को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वे अलगाववादी द्वारा आहूत विरोध प्रदर्शन में भाग लेने जा रहे थे। जेकेएलएफ के एक प्रवक्ता के मुताबिक मलिक अलगाववादी समूह संयुक्त प्रतिरोध नेतृत्व द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पुराने शहर के नोहट्टा इलाके की ओर जा रहे थे जब पुलिस ने उनका वाहन रोककर उन्हें हिरासत में लिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीर वाई उमर फारूक ने अपने ट्विटर पेज पर मलिक के हिरासत का फुटेज अपलोड किया और पुलिस कार्यवाही की कड़ी निंदा की। मीर वाई ने ट्वीट पर कहा कि युवाओं की लगातार हत्याओं, छात्रों पर बल प्रयोग और एनआईए द्वारा हमारे नेताओं की निरंतर गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ जामा मस्जिद के पास शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए जा रहे जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार और उन्हें गिरफ्तार किए जाने की उन्होंने कड़ी निंदा की है। जिला कलेक्टर अलवर राजन विशाल ने उपखंड पंचायत समिति तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति कार्यालय की कार्य प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उमरायण पंचायत समिति परिसर में धूम्रपान करते हुए मिले एक व्यक्ति को 200 रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई। तहसील परिसर में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सुभाष जोशी ने तहसील कार्यालय भवन को एसडीएम कार्यालय परिसर में शिफ्ट करने तथा एसडीएम कार्यालय की चार दीवारी निर्माण सहित सहायक कलेक्टर कार्यालय में पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाने की मांग रखी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों की पानी, बिजली, राजस्व, आबादी में पट्टे सहित विभिन्न समस्याओं को सुना। वहीं ग्रामीणों ने भूख खेड़ा में अवैध शराब ठेका हटवाने की मांग रखी। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बांसुर किले में पहुंचकर वहां स्थित माता के मंदिर के दर्शन किए और किले के रख रखाव के लिए पुरातत्व विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। स्थानीय समस्याएं हैं, उनका जितना से अधिक मौके पर हल हो सकता है वो करने का प्रयास किया जाएगा और जनप्रतिनिधियों से, गांव के लोगों से मिल के ये कार्य योजना बनाई जाएगी कि माजरा ये जो ग्राम पंचायत है उसको कैसे और ज़्यादा खुशहाल बनाया जा सके और विकास की राह पे आगे चल सके। थैंक यू सर। भारतीय प्रशासनिक सेवा के घोषित परीक्षा परिणामों में लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गांव रोनीजा जाट निवासी राजीव चौधरी ने पहले ही प्रयास में सफलता अर्जित की है। राजीव ने 371वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र व समाज का नाम रोशन किया है। राजीव चौधरी के आईएएस में चयन होने के समाचार मिलते ही परिवार सहित संपूर्ण गाँव में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने राजीव के घर पहुंचकर परिजनों को बधाई देते हुए मिठाई खिलाकर खुशी प्रकट की। सिविल सेवा में चयनित राजीव चौधरी के शिक्षक मोर ध्वज सिंह चौधरी ने बताया कि राजीव प्रारंभ से ही होनहार बालक था। कक्षा 6 में उनका नवोदय विद्यालय खैरतल में चयन हुआ था। नवोदय विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययन के दौरान भारत की ओर से जापान जाने का भी अवसर उन्हें मिला था। राजीव ने उच्च शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से इतिहास ऑनर्स के साथ पूर्ण की। इसके उपरांत
इतिहास विषय में स्नातकोत्तर इग्नू से पूर्ण करने के साथ यूजीसी के द्वारा आयोजित नेट परीक्षा प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण की। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे क्षेत्र के गांव रोनीजा जाट के राजीव कुमार चौधरी ने आईएएस में चयन किया है। उनको देखकर युवाओं में बहुत उत्साह है और आगे वो तैयारियां उत्साह के साथ करेंगे और मैं उनको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बड़ी प्रसन्नता हुई है जब लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से भारतीय प्रशासनिक सेवा में 371वीं रैंक पर इस लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली बालक राजवी कुमार चौधरी जो ग्राम रोनीजा जाट से है, उन्होंने इस भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थान ग्रहण कर इस प्रतिभाशाली बालक ने इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसमें हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता है। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। राजीव के पिता महावीर चौधरी कृषक और माता द्रौपदी देवी गृहिणी है। बधाई देने के दौरान मोर ध्वज सिंह चौधरी भाजपा मंडल बिचगांवा अध्यक्ष डीआर जाट महामंत्री प्रेम पटेल बन्नी लाल चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग पहुंचे। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। आसाराम का ऑडियो हुआ वायरल, सजा मिलने के दो दिन बाद सोशल मीडिया पर आया ऑडियो, जल्द बाहर आने के दिए संकेत। ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी बाइक, एक ही परिवार के तीन की हुई मौत, धौलपुर के हाईवे 123 पर हुई दुर्घटना। पतंजलि द्वारा निजी भूमि पर कब्जे के लगे आरोप, दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग हुआ, करौली का है मामला। बच्चे की जान बचाने की खातिर तेंदुए से लड़ गया पिता, सुबह 5 बजे घर में घुसा था तेंदुआ, जम्मू के कुपवाड़ा में हुई घटना। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।